खबर जबलपुर से है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यहां पर सत्याग्रह किया है। नर्मदा नदी के ग्वारी घाट में सत्याग्रह किया गया। ओपन बुक और ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग यहां पर की गई है। कोरोना के चलते ऑनलाइन परीक्षा की मांग करते हुए ये लोग देखिए सत्याग्रह कर रहे हैं। नर्मदा नदी में सत्याग्रह करने पहुंचे ये सारे जो छात्र हैं। तो कोरोना के चलते ऑनलाइन परीक्षा की मांग इनकी ओर से की जा रही है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का ये सत्याग्रह, तो नर्मदा नदी के ग्वारी घाट में सत्याग्रह इन छात्रों ने, एनएसयूआई के इन कार्यकर्ताओं ने किया है। तो ओपन बुक और ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का ये सत्याग्रह। प्रदेश सरकार, राज्य सरकार ने दूसरा मौका तो दे दिया, लेकिन अभी तक कोई भी नियम स्पष्ट नहीं किया। होश में आओ, शिक्षा मंत्री, होश में आओ, होश में आओ, सीवाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की जिला इकाई के द्वारा जिस तरीके से हमारा निरंतर, तो ये जल सत्याग्रह, वी वांट ऑनलाइन परीक्षा, ये पोस्टर्स हाथों में लेकर, बैनर लेकर ये बैठे हुए हैं पानी में। तो ओपन बुक और ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग यहां पर की जा रही है। तो कोरोना के चलते ऑनलाइन परीक्षा की मांग यहां पर की गई। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का ये सत्याग्रह। कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, ये पूरा मामला क्या है और क्या इस सत्याग्रह के बाद अब इनकी मांग पर कुछ तवज्जो दी जा रही है, कोई सुनवाई होती हुई दिख रही है? देखिए, आज से नहीं, पिछले कई दिनों से शहर में और शहर के साथ साथ देश में जो है कोरोना के बढ़ते शहर के चक्कर में ऑनलाइन और ओपन बुक एग्जाम की मांग चल रही है। हालांकि कुछ जगह परीक्षा स्थगित भी कर दी गई है। इसी मांग को लेकर आज एनएसयूआई ने जल सत्याग्रह करने का तरीका अपनाया। एनएसयूआई का कहना है कि हम इस मामले को लेकर तमाम कॉलेजों, विश्वविद्यालय के कुलपति को मिले हैं, उनसे हम दरखास्त की अर्जी दी, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी कोई मांग सुनी नहीं गई तो उनके सामने एक आखिरी रास्ता यही बचा था कि वो जल सत्याग्रह करेंगे। जल सत्याग्रह करने के बाद भी उनकी मांगों पर किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन एनएसयूआई का साफ कहना है कि यदि इसी तरह से इनकी भर्राशाही चलती रही, यदि छात्रों की मांग को नहीं समझा गया, छात्रों को यदि यही कोरोना किट समझा जाता रहा तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की है। तो बिल्कुल, तो इसी को लेकर ये सत्याग्रह यहाँ पर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंद्र, तमाम जानकारी के लिए।